लाला पांच बरस की उम्र तुम्हारी, अरे वन में खाई जाए कोई शेर शिकारी, अरे मेरी मानो यो तारी आई करे न दूध के दांत, लला तेरी अब उम्र बारी आयु करे के दांत, मैया लाला को समझा रही ध्रुव जी जिद ठान गए परीक्षण महाराज। आज इधर बताया श्रोताओं, आज इधर बताया मैया लाला को आज्ञा देने लगी, जवाब दिया है लाला तू नहीं मानता है तो जाओ मेरे लाल, जाओ लाला हट देखी के कुमर की गद गद शिथिली छाती भई, आशीष दे आज्ञा दई, जाओ लाला मोने ठुर मैया के कन्हैया और दर्श फिरी मोय दीदियो, छोड़ी खटका जगत के भजन बन में कीजियो, जाओ लाला तेरी हर एक इच्छा पूरी हो मेरे लाल। मैया से आज्ञा लेके जिस समय ध्रुव जी दौड़े हैं, महाराज उत्तानपाद ने सुना बेटा ध्रुव बन को जा रहा है। श्रोताओं आज इधर बताया जवाब दिया है, हे मंत्री क्या देख रहे हो खड़े खड़े, जाओ ध्रुव से कह दो वन में न जाए, आज से उन्हें शुद्ध गेहूं की आटा की रोटी और सब्जी दी जाएगी। ध्रुव से कहा लाला वन में न जाओ, आज से तुम्हें शुद्ध गेहूं की आटा की रोटी और सब्जी मिलेगी। उस समय ध्रुव जी गांव की गलियां पार कर चुके थे, ध्रुव ने सुना सोचने लगे वाह रे भगवान तेरे नाम में इतनी बड़ी तासीर, तेरे नाम पे अबे हम जो गांव की गलियां ही ना पार कर पाए शुद्ध गेहूं की आटा की रोटी सब्जी मिलने लगी। लौट जाओ सिपाहियों हमें कुछ नहीं चाहिए अपने पिताजी के दर्शन चाहिए। महाराज उत्तानपाद ने सुना ध्रुव नहीं लौटा, ए सिपाहियों जाओ ध्रुव से कह दो वन में ना जाए उन्हें आधा राज दिया जाएगा। ध्रुव से कहा लाला अरे वन में न जाओ महाराज का हुक्म है आधा राज्य मिलेगा। श्रोताओं उस समय ध्रुव जी गांव से बाहर निकल चुके थे, ध्रुव ने सुना सोचन लगे वाह अरे भगवान तेरे नाम में इतनी बड़ी तासीर, अबे तेरे नाम पे जो गांव ही पार कर पाए आधो राज मिलने लगो, लौट जाओ सिपाहियों हमें कुछ नहीं चाहिए अपने पिताजी के दर्शन चाहिए। यहां तक हुआ परीक्षण महाराज। आज महाराज उत्तानपाद ने सारे राज के लिए कह दिया लेकिन ध्रुव जी नहीं लौटे, वन में
दौड़ते हुए जा रहे हैं। और इसी बीच में ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है और 10-10 रुपए से हमारे शिष्यगणों को सम्मानित किया है श्री जोगराज साक्य उनकी तरफ से और एक टीम ही और